हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिंटल एंड स्लेब कि लिंटल क्या होता है और स्लेब क्या होती है और इनके बीच में डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिंटल का फ़ोटो दिखाता हूँ। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है क्या, लिंटल। और स्लेब, स्लेब तो आप लोग सब जानते हैं कि जिस भी छत हो गया, सीलिंग हो गया, जिसके ऊपर कास्टिंग करते हैं, ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट जो पोर्शन होता है हमारी बिल्डिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लेब, ठीक है। नेक्स्ट, अब डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं कि आखिर में लिंटल होता क्या है। लिंटल की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है कि एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसको हम जो ओपनिंग्स होती है, ठीक है, कहाँ पर, वॉल के अंदर, वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कि ये जो है, जैसे कि इस फिगर के अंदर आप देखेंगे तो ये ओपनिंग हम लोगों ने प्रोवाइड करा रखी है किसमें, वॉल के अंदर। क्यों, या तो डोर लगा सकते हैं हम, या फिर यहाँ विंडो लगा सकते हैं, या फिर कोई भी वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हम कुछ भी चीज़ यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो सपोर्ट देने के लिए हम जो जिस स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करें उसको लिंटल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर विच इज़ प्लेस्ड अक्रॉस द ओपनिंग्स लेफ्ट इन द वॉल फॉर द प्रोविजन ऑफ डोर्स एंड विंडोज, या फिर और कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, इसको हमने बोला क्या, लिंटल। लेकिन वहीं स्लेब की अगर हम बात करें दोस्तों, तो स्लेब भी हमारा एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कि पूरे के पूरे एरिया जो है रूम का, या पूरी बिल्डिंग का, या पूरे प्लॉट का, उसको कवर करता है, ठीक है। मतलब कि स्लेब एक ऐसा हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो कि पूरे के पूरे एरिया, किसका, रूम हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, या फिर पूरी बिल्डिंग जहाँ पर आपने बनाई है उसके पूरे एरिया को कवर करता है। और जो स्लेब है वो हमारे बीम के ऊपर रेस्ट करती है, या फिर डायरेक्टली वॉल के ऊपर भी रेस्ट कर सकती है। लेकिन करंट सिनेरियो में जो स्लेब है वो हमारे बीम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट कराते हैं उसको। तो मेरे ख्याल से लिंटल और स्लेब में पता चल गया होगा आपको दोनों क्या है। लिंटल एक ऐसा मेंबर है जो कि हम विंडोज़, डोर्स या वेंटिलेशन के लिए जिस ओपनिंग को छोड़ देते हैं दीवार के अंदर, वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि ऊपर वाला हमारे जो डोर से, विंडोज, इनको प्रिवेंट कर सके, ठीक है, बेंडिंग से, या जो उनके ऊपर लोड आएगा तो वो ख़राब ना हो जाए इसलिए, ठीक है। स्लेब, स्लेब क्या होगा, टाउ हमारा एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो कि बीम के ऊपर रेस्ट करता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात करें दोस्तों लिंटल में, तो इट इज़ सपोर्टेड ऑन टू साइड्स बाय द वॉल। दो साइड, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक वॉल थी, एक ये वॉल थी, दोनों साइड से इसको सपोर्ट किया गया है केवल, ठीक है। लेकिन स्लेब के अंदर बात करें दोस्तों, तो ये हमारे टू और मोर साइड्स ऑफ द वॉल से भी सपोर्ट हो सकती है। मतलब कि ये जो स्लेब है ना, ये स्लेब या तो चारों साइड से सपोर्टेड हो, या किसी दो साइड से हो, या फिर तीन साइड से भी सपोर्टेड हो सकती है। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, लिंटल और स्लेब के बीच में, कि लिंटल हमारी किन्हीं भी दो साइड से सपोर्टेड होता है, लेकिन स्लेब दो से हो सकता है या उससे ज़्यादा, चार साइड से भी सपोर्टेड हो सकता है, ठीक है। अब ये सपोर्टिंग नेचर के हिसाब से स्लेब को हमने अलग अलग टाइप में भी क्लासीफाई किया, डेट इज़ वन वे स्लेब हो गया, टू वे स्लेब हो गया, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करें तो लिंटल जो हो गया दोस्तों, लिंटल आर हाईली रेनफोर्स्ड, मतलब कि लिंटल के अंदर स्टील का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अगर बात करें स्लेब के अंदर, तो स्लेब हमारा कम रेनफोर्स्ड होता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट, लिंटल। ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। रेनफोर्स्ड मतलब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ बार्स यूज़ की गई है, ज़्यादा बार्स यूज़ की जाती है लिंटल में एज़ कम्पेयर टू व्हाट, स्लेब। स्लेब के अंदर हम लोग कम बार्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। विड्थ ऑफ थिंकल लिंटल इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द वॉल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो विड्थ होती है, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देखेंगे, तो ये जो लिंटल की थिकनेस है, सॉरी विड्थ जो है, विड्थ हमारी जितनी वॉल की विड्थ रहेगी उसके बराबर होती है, ठीक है। मान लो अगर हमारी 8 इंच की वॉल है, तो हमारी जो थिकनेस रहेगी, जो विड्थ रहेगी किसकी, लिंटल की, वो भी 8 इंच ही रहेगी। अगर मेरी 4 इंच की वॉल है, तो मेरी जो लिंटल की विड्थ रहेगी वो भी 4 इंच ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें विड्थ ऑफ स्लेब, किसके अंदर, स्लेब के अंदर, विड्थ ऑफ स्लेब डिपेंड्स ऑन दी विड्थ ऑफ रूम, या फिर कवर्ड एरिया ऑफ द प्लॉट। क्लियर, कि जो स्लेब की जो विड्थ है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करती है कि जो रूम जिसके ऊपर आप स्लेब लगा रहे हैं उसकी विड्थ क्या है, या उसका कवर्ड एरिया कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हमको पूरे एरिया को कवर करना होता है स्लेब की मदद से, ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात करें लिंटल के अंदर, तो इट एक्ट एज अ लॉर्ड बियरिंग मेंबर एंड सर्व एज द सेफ्टी फॉर द डोर। क्या बोला कि जो लिंटल है एक प्रकार का लॉर्ड बियरिंग मेंबर होता है, क्या बोला लॉर्ड बियरिंग मेंबर होता है, जो कि हमारे डोर्स या फिर विंडो फ्रेम के ऊपर, मतलब जो लोड नहीं आने देता है, सेफ्टी का काम करता है डोर या विंडो फ्रेम के लिए, ठीक है। साथ में जो लिंटल है वो लोड ट्रांसफ़र नहीं करता किसके ऊपर, हमारी फ्रेम्स के ऊपर। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर अगर बात करें तो स्लेब जो है, स्लेब भी एक लोड बियरिंग मेंबर ही है, ठीक है, प्रोवाइडिंग ए क्लियर हेड फॉर लिविंग, जिसका काम है कि एक प्रॉपर हेड या क्लियर हेड प्रोवाइड करता है हमको रहने के लिए। मतलब कि जो स्लेब होती है, स्लेब एक पर्टिकुलर हाइट पर होती है, डेट इज़ 3.5 या फिर 3 मीटर की हाइट पर हम लोग जनरली मानते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, हमारे जो सर वगैरह है उसमें टच ना हो, मतलब एक क्लियर हेड प्रोवाइड करता है लिविंग के लिए, ठीक है। और साथ में जो स्लेब है वो हमको सेफ्टी प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट एटमोस्फेरिक अटैक, डेट इज़ रेन हो गया, सनलाइट हो गई, इन सबके अगेंस्ट हमको क्या प्रोवाइड करा रहा है, सेफ्टी। तो मेरे ख्याल से जो पांचों डिफरेंस थे, जो कि मेजर डिफरेंस थे, मैंने आपको क्लियर किए। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। हमने बात करी डिफरेंस बिटवीन लिंटल एंड स्लेब की। लिंटल क्या होता है, लिंटल एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, जो कि किसी भी डोर विंडो के प्रोविजन के लिए छोड़ा जाती है, उसको सपोर्ट करता है। साथ में स्लेब हमारी क्या होती है, स्लेब हम आउटर मोस्ट कवरिंग के लिए प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जो लिंटल है वो अपोजिट साइड्स पर सपोर्टेड होता है वॉल की, लेकिन जो स्लेब है वो अपोजिट साइड पर भी सपोर्ट हो सकता है या फिर ऑल द फोर साइड से भी सपोर्टेड हो सकता है। इसके बाद हमने बात करी कि लिंटल हमारा हाईली रेनफोर्स्ड होते हैं और स्लेब हमारी उसके कंपैरिजन में कम रेनफोर्स्ड होती है। फिर हमने विड्थ ऑफ लिंटल की बात कर ली कि विड्थ ऑफ लिंटल हमारी जो विड्थ रहती है किसकी, वॉल की, उसके बराबर होती है, और विड्थ ऑफ स्लेब हमारे पूरे रूम के एरिया या फिर रूम की विड्थ के बराबर होती है। फिर अगर बात करें तो ये एक लोड बियरिंग क्या है, लोड बियरिंग मेंबर है कौन, लिंटल, साथ में स्लेब भी हमारा लोड बियरिंग मेंबर है, लेकिन लिंटल हमारे यहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्रेम, कौन सी, डोर की हो गई, विंडो के फ्रेम के अगेंस्ट, लेकिन स्लेब जो है हमारा ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन से हमको सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। आई होप ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।